होली के दिन भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बास नहीं आया। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों पर भारी गोलाबारी की, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में 24 साल के जवान यशपाल शहीद हो गए। यशपाल जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले थे। वहीं यशपाल की शहादत की खबर के बाद से परिवार और इलाके में मातम का माहौल है। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहीद यशपाल का आज दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजौरी के नौशेरा सेक्टर के कलाल और डिंग इलाके में भी भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की गई, जिसका भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से इस इलाके में लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं, जिसका कड़ा जवाब भारतीय सेना दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलन पहाड़ियों को इसराइल के इलाके के तौर पर मान्यता दे दी, जिससे पश्चिमी एशिया में नया तनाव शुरू हो सकता है। एक ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वक्त आ गया है जब अमेरिका गोलन पहाड़ियों को इसराइल के इलाके के तौर पर मान्यता दे दे। गोलन पहाड़ियां इसराइल, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के बीच पड़ने वाला इलाका है। इसराइल ने 1967 के युद्ध के समय सीरिया को गोलन पहाड़ियों से खदेड़कर उस पर कब्जा किया था। 1981 में उसने गोलन पहाड़ियों को अपना बताकर उस पर अपना शासन और कानून भी लगा दिया था। हालांकि दुनिया के तमाम देशों ने इसे मान्यता नहीं दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इसे मान्यता देने की कोशिश से हालात बदल सकते हैं। आगरा में होली के दिन एक पेट्रोल पंप पर जल्दी पेट्रोल डलवाने के लिए दो गुटों में हुई बहस मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट करने वाले दोनों गुट के लोग नशे में थे और एक दूसरे से जल्दी पेट्रोल भरवाना चाहते थे। इसको लेकर दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए। उन्हें इस तरह सरेआम भिड़ता देख पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग वहां से भाग खड़े हुए। दोनों गुट के लोग ईंट और लाठी से लैस थे। यह हंगामा वहां देर तक चला। थोड़ी देर में एक गुट दूसरे पर भारी पड़ गया। उस गुट का एक लड़का दूसरे गुट के लड़के को पेट्रोल पंप के पास पीटता दिखा। जल्द ही इस लड़ाई में कमजोर पड़े दूसरे गुट ने हथियार डाल दिए और लड़ना छोड़ दिया। तब सरेआम हुआ ये झगड़ा भी शांत हो गया। पाकिस्तान केंद्र सरकार की जमीन जायदाद बेचकर अपने ऊपर लदे भारी कर्ज को चुकाने को मजबूर हो गया है। कंगाली की वजह से उसे अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ रही है। पाकिस्तान ने कर्ज चुकाने के लिए जमीन जायदाद बेचने का यह फैसला पीएम इमरान खान की अगुवाई में हुई बैठक में किया। बैठक में तय किया गया कि ऐसी सरकारी जमीन जायदाद को बेच दिया जाएगा जिसका लंबे वक्त से इस्तेमाल ना हुआ हो। इस फैसले का मकसद पाकिस्तान पर कर्ज के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए किया गया, जो भारतीय रुपए में करीब 13,262 अरब रुपए है। कंगाल हो चुका पाकिस्तान ये कर्ज खुद नहीं चुका सकता, इसलिए सरकारी जायदाद बेचकर वो कर्ज का बोझ कम करना चाहता है। पीएम इमरान खान ने ऐसी सभी सरकारी जायदाद की फेहरिस्त मंगवाई है जो लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं हो रही है। आज पाकिस्तान का नेशनल डे है और इस मौके पर दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन ने अलगाववादी नेताओं को न्योता भेजा है, लेकिन पाकिस्तान के इस बुलावे पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए विरोध जताया और अपने किसी भी प्रतिनिधि को पाकिस्तान के नेशनल डे कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया। अलगाववादियों को ये संदेश भेजा गया है, लेकिन जो न्योता आया है उस पर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और ये कहा है कि कोई भी प्रतिनिधि नहीं जाएगा। दरअसल आज पाकिस्तान का नेशनल डे है और इस मौके पर दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन ने अलगाववादी नेताओं को न्योता भेजा है और पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव है। हमने देखा है कि जब पाकिस्तान का नेशनल डे होता है तो भारत की तरफ से कोई प्रतिनिधि जाता है, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि कोई भी नुमाइंदा नहीं जाएगा। और इस बीच जो न्योता पाकिस्तान ने अलगाववादियों को भेजा है, जो सेपरेटिस्ट लीडर है, उसको लेकर के भी भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और विरोध जताया है। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, जो हमने देखा कि पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच में काफी तनाव है और इस बार पाकिस्तानी दिवस पर जो न्योता अलगाववादियों को दिया गया है उस पर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बिल्कुल, देखिए हर साल जो है पाकिस्तान डे के दौरान जो है भारत में जो जम्मू कश्मीर में जो बैठे अलगाववादी नेता है उनको बुलाता है। ये उसका एक प्रॉपर ट्रेंड है। लगातार जो है भारत जो है साफ कर चुका है कि अलगाववादियों के साथ जो है किसी तरीके की बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कि वो मुख्यधारा में आने की बात नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान हमेशा जो है इस तरीके की प्रवोक जो है वो करने की कोशिश करता है। और अभी जो खबर यही है कि भारत जो है इस बार अपनी तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेगा। हालांकि हर साल जो है भारत सरकार की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता था वहां पे। अमूमन देखा गया है कि MOS एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो वहां पे होते थे, लेकिन
क्योंकि पुलवामा के बाद से जितनी भी जो जिस तरीके की रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में पनपी है वो कहीं ना कहीं जो है अब इसकी इजाजत नहीं देता भारत को कि भारत जो है इन सब तरीके के आयोजनों में जाए। और यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने अभी भारत सरकार ने अभी जो है फैसला लिया है कि कोई वहाँ पे नहीं जाएगा। और चूंकि चुनावों के दौरान जो है विपक्ष भी जो है सीधे तौर पर इन सब चीजों को लेकर हमलावर हो सकता है, तो हो सकता है कि ये भी एक दूसरी वजह हो भारत सरकार के लिए। लेकिन पुलवामा हमला सबसे बिल्कुल और ये दर्शाता भी है कि दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी है। संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ओडिशा में नामांकन दाखिल करने गए बीजेपी प्रत्याशी ने लोगों को रुपए बांटे। ओडिशा के नौपाड़ा में बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र ढोलकिया का नामांकन दाखिल करते समय लोगों में रुपए बांटने का वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुलिस ने 20 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ एक गिरोह को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति में जमकर हुई बर्फबारी के बाद बीआरओ ने टांडी रोड के रास्ते पर बर्फ को हटाने का अभियान शुरू किया। महाराष्ट्र के पालघर जिले के पास समंदर में डूबने से 5 लोगों की मौत के बाद बचाव कार्य अब भी जारी। झारखंड के गुमला में नक्सली वर्दी में आए अपराधियों ने एक घर में घुसकर गोलीबारी कर 2 लोगों की हत्या की, वहीं एक महिला और बच्चा घायल हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छात्र ने आईएएस की परीक्षा में 4 बार असफल होने के बाद तनाव में आकर खुदकुशी कर ली। गाजियाबाद में अगले आईपीएल मैच में पहली बार खेलने जा रहे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ी प्रशांत तिवारी पर होली खेलने के समय बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। बिहार के भागलपुर में एक सरपंच ने आपसी रंजिश की वजह से गांव के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की लगघाटी में लैंडस्लाइड के समय फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू टीम ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में होली के दिन बदमाशों ने दिन दहाड़े एक सब इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला बोला। निहाल विहार थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अमित सिविल ड्रेस में अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे कि तभी होली खेल रहे कुछ लड़कों ने सब इंस्पेक्टर की गाड़ी पर रंग डाल दिया, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर और होली खेल रहे लड़कों में कहासुनी हुई, फिर बात हाथापाई तक पहुंची। तभी गुस्साए लड़कों ने सब इंस्पेक्टर के पेट में चाकू मारा, जिसके बाद फौरन घायल सब इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। चीन के एक इलाके में सड़क के किनारे बैठी 3 साल की एक बच्ची एक एसयूवी की चपेट में आ गई। हादसे के वक्त उस बच्ची के साथ कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से सड़क पर बैठी बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई। हादसे से पहले एक आदमी बच्ची के पास टहलता नजर आया। थोड़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर आने के लिए एक एसयूवी मुड़ी, जिसका ड्राइवर बच्ची के बैठे होने की बात से अनजान था। बच्ची इस एसयूवी के नीचे आ गई। इसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, जिसकी वजह से बच्ची एसयूवी के नीचे घिसटती चली गई। बच्ची के ऊपर से एसयूवी निकल गई, जिसके बाद वो उठ खड़ी हुई। कुछ ही देर में एक आदमी बच्ची की मदद के लिए पहुंच गया। इस हादसे में बच्ची की जान बाल बाल बच गई।